अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। और क्या हाल चाल हैं? अच्छा जी, मैं इस टाइम जो है ना कुरंगी से जो है ना फेस एड जा रहा हूँ, ठीक है जी। और स्पीड बिल्कुल नॉर्मल है, और कोशिश किया करें कि जब ड्राइविंग करें ना तो नॉर्मली स्पीड में रहा करें। देखें, भगाने से कुछ नहीं होता, दो चार मिनट लेट पहुँचेंगे ना वो ठीक है, ठीक है ना। जल्दी के फिर आपको पता है हादसात और ये वो अल्लाह में बस हादसात से और इन जो है ना कोई भी माजूर इन चीज़ों से बचाए। और मेरी बहन भाई और सब के लिए दुआएं करता रहता हूँ। अल्लाह मियाँ जो है ना सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। जिन जिन ने मुझे दुआओं के लिए बोला हुआ है सबकी दुआएं कबूल हो, ठीक है जी। मैं तो यही दुआएं करता रहता हूँ और जब भी नमाज़ पढ़ता हूँ अब सब बहन भाइयों के लिए दुआएँ करता रहता हूँ। अल्लाह मियाँ जल्दी कबूलियत करें। और जी आज की रूटीन बस यही है कि थोड़ा बिज़ी रहना है। उसके अलावा जो है ना बस अभी जो है ना मैं फेस एड के लिए निकल रहा हूँ, और दोपहर रात को जो है ना पिज़्ज़े का प्रोग्राम है, पिज़्ज़ा भी खाना है घर पे, आज बनाएंगे पिज़्ज़ा। उसके अलावा जो है ना कज़न को रात छोड़ने जाना है, एयरपोर्ट छोड़ने जाना है, आज की ये रूटीन है। और पिज़्ज़े की भी रेसिपी इसके अंदर शेयर करूँगा। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई आपका इंस्टाग्राम क्या आईडी है, तो भाई मेरी इंस्टाग्राम जो आईडी है वो भी दिलबर यासिन के नाम से है। और बस ऐसे ही बाबर के लिए भी दुआएं करते रहा करें, उसको भी सपोर्ट करें जैसे मुझे कर रहे हैं, सितारा को कर रहे हैं, और बाबर को पहले भी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट की है। तो बस ऐसे ही आपकी मोहब्बत और प्यार अल्लाह मियाँ से बरकरार रखे। ऐसे ही नैना को, मुझे, बाबर, सितारा, आप सबकी सपोर्ट और मोहब्बत की ज़रूरत है। और ऐसे ही जो है ना सपोर्ट करते रहा करें, आप लोगों का प्यार है। और लाइक कमेंट्स तो लाजमी करना है आपने, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है कि कौन बंदा कहां से मुझे कमेंट्स कर रहा है। और बस यही है, ठीक है जी। इंशाल्लाह जो है ना फिर देखते हैं क्या रूटीन बनती है सारा दिन की, जो भी होगी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयरिंग करता रहूँगा। और एक अहम बात, आपने जो है ना मेरे वाइफ के लिए जैसे मैं बोलता रहता हूँ बस उनके लिए दुआएं करते रहना है। अल्लाह मियाँ खैर आफियत से वो दिन लाए और खैर आफियत से मेरा बच्चा हो, ठीक है जी। फादिया के लिए, हमज़ा, अली, मेरी फैमिली के लिए ऐसे ही दुआएं करते रहा करें। काफ़ी बहनें हैं, काफ़ी बहन भाई हैं जो ना रोज़ मुझे कमेंट्स में पता नहीं कितना दुआएँ मुझे मिलती हैं। तो अल्लाह मियाँ के करम से बस ऐसे ही दुआएँ करते रहा करें, ठीक है जी। तो जो भी आज की रूटीन होगी, जो भी होगी इंशाल्लाह फिर आपसे शेयरिंग करता रहूँगा। बस ठीक है जी, अभी ड्राइव कर रहा हूँ, तो ड्राइव करते हुए जो है ना ज़्यादा वीडियो में नहीं शूट करता, क्योंकि आपका ड्राइविंग से जो है ना ध्यान अगर आगे पीछे हुआ तो फिर जो है ना, ठीक है जी। तो दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह, फिर जो है ना आज की रूटीन जो है ना इंशाल्लाह आपसे आगे शेयरिंग करता रहूँगा। वैसे भी अभी नमाज का टाइम हो गया है, नमाज़ पढ़ते हैं। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का। आटा जो है ना गूंद लिए और इसको अभी जो है ना आधा घंटा हम लोग कवर करके रखेंगे, ठीक है। कवर करने के बाद आधे घंटे तक ये फूल जाएगा, उसके बाद जो है ना फिर हम लोग पिज़्ज़े के लिए रेसिपी आगे रेडी करेंगे, ठीक है। अभी इसको जो है ना आधा घंटा रख देंगे कवर करके। तो ये जो है ना हमारा मसाला रेडी हो रहा है, ठीक है। तो मसाला रेडी हो जाए उसके बाद जब तक जो है ना आटा भी फूल जाएगा, तो उसके बाद जो है ना फिर आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। जो ना चिकन है, प्याज डाला है, टमाटर है, नमक और मिर्ची फिलहाल डाली है, ठीक है, और कुछ नहीं डाला। बाकी जो भी कुछ अगर ऐड करेंगे तो वो भी आपको मैं गाइड करता रहूँगा। तो हमारा मसाला है ना वो रेडी होने वाला है बस 5 मिनट तक। और हमने इसमें ना अभी शिमला मिर्च सिर्फ ऐड की है, क्योंकि जो है ना मेरे घर वाले जो है ना, मैं तो खैर ऐसे ऊपर से पिज़्ज़े के ऊपर जो डालते हैं वो थोड़ी थोड़ी कच्ची रह जाती है, उसका मज़ा आता है, लेकिन मेरे घर वाले वो नहीं खाते, तो इसलिए हम लोगों ने इसके अंदर डाल दी ताकि जो है ना वो इसमें पक जाएगी तो आराम से पिज़्ज़े के साथ। पिज़्ज़े पे हम लोगों ने जो है ना मसाला लगा दिए, अब हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे, ठीक है। हम लोगों ने जो है ना चीज़ ऐड कर दी है, अब हम इसको ओवन में रखेंगे 15-20 मिनट के लिए, नहीं 12 से 15 मिनट के लिए रखेंगे और ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, फादिया अभी इसके ऊपर चीज़ डाल रही है, ठीक है। अब चीज़ डाल दी है, अब जो है ना अब इसको जो है ना 12 से 15 मिनट के लिए ओवन करते हैं। उसके बाद जो है ना ओवन होने के बाद जो ये बन के आएगा फिर उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ बनाता हूँ इसके अंदर जी। तो ये हमारा जो है ना यम्मी पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, ठीक है जी।
और हम लोग जो है ना अक्सर जो है ना घर पे ही पिज़्ज़ा बनाते रहते हैं, बाहर से कम लेते हैं, घर पे ही बनाते हैं। एक तो घर का हमें ये पता होता है कि क्या चीज़ डाली है क्या नहीं, उसके अलावा ये है कि घर वाले तो आपको पता है घर में कोई भी चीज़ बनाए तो उसमें बरकत होती है। तो जिस बहन जिस भाई ने खाना हो तो मोस्ट वेलकम, आ जाए, मैं उसको खिला सकता हूँ। और जो है ना कराची वाले तो बोलेंगे हम लोग आ रहे हैं, बाहर वाले नहीं। चलो भाई ऑफर है, जो भी आएगा उनको खिला दूंगा, मसला नहीं है। ठीक है, ये किसने बनाया फादिया? अच्छा भाई ये जो है ना फादिया ने बनाया, फादिया इधर देखो किसने बनाया, ये फादिया ने बनाया पिज़्ज़ा। और अभी एक पिज़्ज़ा बनाया बस, मैं और अभी फादिया खाएंगे, बाकी जो है ना बाबर नैना वो लोग आएंगे तो उनके लिए फिर फ्रेश फ्रेश बनाएंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा आपको पता है फ्रेश ही खाना चाहिए जो है ना। भाई जिसने भी खाना हो ना तो आ जाए। ठीक है, पिज़्ज़ा रेडी हो गया है और माशाल्लाह देखें बहुत ही प्यारा शेप आई है, बहुत ही। मैं तो यही घर पे और सब लोगों को गाइड करता रहता हूँ कि ना बरकत तो उसी चीज़ में होती है जो आप घर पे बनाते हैं, बाहर के खानों में बरकत कभी भी नहीं होती। तो बस ऐसे ही दुआएं करते रहें, ठीक है, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी वाइफ के लिए कि बच्चा सही सलामत हो, फादिया के लिए, और बस आप लोगों की दुआएं हैं। ऐसे लाइक कमेंट्स करते रहें, ठीक है जी। रमज़ान ने पिज़्ज़ा खाना स्टार्ट कर दिया है, दद्दा के काम देखें, ये भी पिज़्ज़ा काट रही है और छुरियाँ बाबा तुम उससे काटो, और ये बाबर भाई ये भी पिज़्ज़ा खा रहा है, ठीक है जी। उधर अबू भी पिज़्ज़ा खा रहा है और इस वाले कज़न ने पिज़्ज़ा नहीं खाया, ये वाला खा रहा है जो अभी बहरीन जा रहा है, इसको ना अभी रात को छोड़ने जाएंगे, इसलिए हम इसकी खिदमत कर रहे हैं ताकि ये खा ले, फिर वहाँ जाके इसने बहुत मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है बावले, फिर पीछे नहीं आना तूने 2 साल से पहले। और ये बाबर भाई भी जा रहा है सऊदी अरब, तो ये अच्छा इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कि इसकी भी कोशिश है, अल्लाह कामयाबी दे, ठीक है। और हमजो बाबा जानी पापा जाए सऊदी अरब जाए, हाँ ये सऊदी अरब जाए, चला जाए हाँ। फिर तो मेरे साथ रहोगे हाँ, हाँ। दादा बाबा जान चला जाए हाँ, अच्छा चलो। और ये पिज़्ज़ा अभी खा रहे हैं, आपको पिज़्ज़ा कैसे लगा? हाँ तुम लोगों को मुफ्त में जो मिला, पैसे भरते तो फिर तुम लोगों को अच्छा लगता ना, इतना मैंने मेहनत की है, इतना मैंने मेहनत से जो है आज सारा पिज़्ज़ा मैंने बनाया और तुम लोग मुफ्त में खा के आगे से फिर एटीट्यूड दिखा रहे। तुम जिंदा हो तब तक मुफ्ता रहेगा, ये देखा ना, ये लोग इनके काम देखें, जब तक हम जिंदा है तो ये मुफ्ता, ये देखें इसके काम देखें, छोटी के काम, ये भी उसकी वीडियो बना रही है। चलो भाई, तो आज का हमारा व्लॉग जो है ना यहीं पे कंप्लीट हुआ, और हमारी फैमिली के लिए हमारे लिए ऐसे दुआएं करते रहा करें, और क्या बोला था, हाँ ऐसे मुफ्ता, ये तो मुफ्ते वाले तो आते रहेंगे, और जो है ना क्या लाइक और कमेंट्स, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ ये मोहम्मद अली बोल रहा है। चलो भाई ये कज़न जो है ना ये जा रहा है बहरीन, ठीक है, ये इसका भाई है, सही है, ये इसको मिल रहा है और ये जा रहा है बहरीन, ठीक है। हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं, और बस जो है ना अल्लाह में किसी को ना अपनी फैमिली से जो है ना दूर ना रखे, यही दुआ है, ठीक है। ये बाबर मिल रहा है कज़न को, ठीक है, और ये कज़न का बड़ा भाई है, और अभी कज़न को अलविदाई कर रहे हैं, ठीक है, बस अल्लाह में इसको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और इसको सही सलामत ले जाए, ठीक है। ये भी अंदर जा रहा है, बस वही बात है कि ना इंसान बस मजबूर होके जाता है, वरना कोई खुशी से नहीं जाता अपनी फैमिली को छोड़ के, और बहुत तकलीफ़ होती है फैमिली के बगैर रहना, अकेले परदेश में रहना ना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो रह के आया हूँ, बाबर भी रह के आया सऊदी अरब में, मैंने भी 3 साल गुजारे हैं, बाबा ने तो 4 साढ़े 4 साल गुजारे हैं, ये भी ये तो बचपन से ही वहीं रहा है, लेकिन ये है कि बस परदेश की ज़िंदगी जो है ना बहुत मुश्किल होती है, ठीक है जी। तो ये सामने एयरपोर्ट के सामने मैकडॉनर है, ठीक है, और ये सामने मैकडॉनर है जी, मैकडॉनर के साथ ये लिखा हुआ है वेलकम टू जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
एयरपोर्ट, ये जी कराची का एयरपोर्ट है। रात के तकरीबन कोई 1:30 बज रहा है, मैं इसको छोड़ने आया हुआ हूँ, ठीक है। बाबर भी आया हुआ है, मैं भी आया हुआ हूँ, बस इसको छोड़ के अभी घर जाएंगे। तो जाना 2:30-3 बज जाएंगे, सुबह फिर काम पे भी निकलना है, पर ये काम भी लाजमी था, ठीक है जी। तो बस दुआ में याद रखिएगा, ठीक है जी। हम लोग एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं क्योंकि कज़न को रोक लिया था कि PCR टेस्ट करवाओ, तो अभी PCR टेस्ट के लिए आए हुए, उसके सामान के साथ खड़े हुए हैं, वो बेचारा PCR टेस्ट के लिए गया हुआ है। ये देखे सामने वो PCR टेस्ट के लिए रुका हुआ है और हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, ठीक है जी। यहाँ जो है ना, ये यहाँ से एंट्री होगी उसकी। अच्छा जी, हम लोग अंदर वेट कर रहे हैं और कज़न जो है ना PCR टेस्ट करवाने गया हुआ है, तो यहाँ से सामने से एंट्रेंस है। और ये छोटू है, इस छोटू को तो आप जानते होंगे, ठीक है जी। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं बस कि कज़न जो है ना PCR टेस्ट करवा के आए, तो फिर हम लोग चले जाएं अंदर, हम लोग उसको छोड़ के फिर हम लोग चले जाएंगे, ठीक है जी। टाइम ज़्यादा हो रहा है, जो है ना काम पे भी जाना है, बस वेट ही कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए और हल्का फुल्का कुछ खाते हैं, भूख लग गई है फिर, ठीक है जी। फिर यहाँ से निकलते हैं घर के लिए। अच्छा जी, तो वहाँ हम लोग नहीं रुके थे, यहाँ के अजवा पे रुके हैं। ये क्वेटा अजवा होटल है, यहाँ पे हम लोग जो है ना चाय पी रहे हैं। अच्छा नहीं है। और जो है ना चाय पीने के बाद जो है ना फिर हम लोग घर, यहाँ से घर निकलेंगे जी। तो हमारी जो है ना चाय आ गई है और चीज़ पराठे का बोला था वो अभी ला रहा है, तो बस अभी हल्का फुल्का जो है ना खा के निकलते हैं फिर यहाँ से। ये देखें गरीब, बिल्कुल मासूम शक्ल बनाई हुई है। हमारा चीज़ पराठा भी आ गया है, यम्मी, ठीक है। हम इसको ये देखते हैं, इसने पहले खींच लिया।